अयोध्यार भव्य राम मंदिर गर्भगृहर शिलापूजन 2024 रे मंदिर निर्माण कार्य संपूर्णर संभावना। राम मंदिर हेब भारतर राष्ट्र मंदिर हेब सनातन धर्मर प्रतीक शेष हेब 500 वर्षर अपेक्षा। अयोध्यार ऐतिहासिक राम मंदिर गर्भगृहर शिलान्यास करिसेंती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर गर्भगृह में प्रथम खोदित पथर रखिंट योगी आदित्यनाथ। शह शह वर्ष धरी जो मुहूर्त को सनातनी हिंदू माने अपेक्षा करते पूरा होगाकू शिलान्यास अनेक दिन देशर विभिन्न प्रांतरू आसी बछा बछा पथर को आज पूजा अर्पण कर प्राय 2 वर्ष तले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्यार राम मंदिर निर्माण कार्यर शुभारंभ होता जहाँ वर्तमान सफलतार सह आगे चली। राम मंदिर भारतर राष्ट्र मंदिर हेब दीर्घ दिन देश को आज दिन प्रतीक्षा थिला। राम मंदिर भारतर एकतार संकेत हेब बोली एही अवसर रे कहचंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज हमारा सौभाग्य है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। दिसंबर 2023 सुधा गर्भगृह निर्माण शेष होगा। यहाँ परे प्रभु को एठारे स्थापन करा जीवो एवं 2025 रे पूर्ण मंदिर निर्माण कार्य शेष हेबो बोली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तरफ तरीके से आप यूँ माने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शुभारंभ किया उस समय उनकी अपेक्षा थी कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी इस स्थिति में लाया जाए और उनकी अपेक्षा के अनुसार आज ये पत्थर ले करने का, जिसको शिला कहते हैं, एक्चुअली पत्थर कहना भी गलत है, आज शिला का जो लेइंग है वो शुरुआत हो रही है। निर्माण कार्य के लिए यह सबसे बड़ा प्रतीक है क्योंकि जो आधारशिला इसकी है यानी फाउंडेशन जिसमें कि सॉइल था, राफ्ट और प्लिंथ जो कि अभी आप देख रहे हैं जहां आप खड़ी हैं, इसके ऊपर ये अंतिम चरण होता है जो कि किया जाएगा। गर्भगृह निर्माण निमंते आयोजित शिलापूजन उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं देशर अनेक मठ और मंदिर महंत माने जोग देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।